गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक कारक का चल रहा था, आज हम तीन कारक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपका है ये। तो आप लोग इन तीन कारकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो कारक आता है वो संबंध कारक आता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है, जैसा कि कारक की पूरी परिभाषा ही यही है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध अन्य शब्दों से बतलाया जाए तो वहाँ उस रूप को अपन कारक कहते हैं। और चूंकि संबंध शब्द आ गया तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी जो रिलेशन को बतलाएगा, जो एक शब्द का या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का रिलेशन बतलाएगा। तो हम देखें सबसे पहले संबंध कारक में कौन कौन से परसर्ग या कारक चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले परसर्ग या कारक चिन्ह को देखा जाए तो देखिए संबंध कारक में जो परसर्ग या कारक चिन्ह जो होते हैं, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने होते हैं। ठीक है ना, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे, ये इसके परसर्ग होते हैं। क्लियर। इसके बाद अपन देखें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा, मेरी, मेरे या नानी ने, रारी, रे, नानी ने, जो ये परसर्ग हैं वो हमेशा सर्वनाम शब्द के साथ लगाए जाते हैं। आपको मिलेंगे अधिकांशतः ये परसर्ग चिन्ह आपको सर्वनाम शब्दों के साथ मिलेंगे, और का, की, के ये शब्द आपको किसके साथ मिलेंगे, संज्ञा शब्द के साथ। अब हम इसकी जो है संबंध कारक के बारे में अगर थोड़ी सी परिभाषा के रूप में पढ़ना चाहें तो क्या बनती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से बतलाते हैं वहाँ संबंध कारक होता है। देखिए मैंने कहा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से बतलाया जाता है। सिंपल सी बात है, संबंध कारक का मतलब होता है जहां पर हम एक व्यक्ति का या एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से बतलाएंगे, यानी जिससे हम संबंध बतलाएंगे। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जिससे संबंध व्यक्त किया जाएगा वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जिससे संबंध बतलाया जाता है वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, मैंने लिखा उसके दो भाई हैं। ठीक है, मैंने वाक्य को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है उसके, तो किसके, उसके क्या है, भाई। तो भाई का संबंध हम किससे बतला रहे हैं, उससे बतला रहे हैं। तो किसके भाई है, उसके, किसके, उसके। तो यहाँ पर जिससे संबंध बतलाया जाएगा उसमें आपका संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर संबंध कारक जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, उसके। ठीक है ना। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखें, रेशमा के दो भतीजे हैं। ठीक है, अब भतीजे, भतीजे हैं किसके, रेशमा के, किसके हैं, काके की संबंध आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। एक चीज़ और आप बच्चों को स्पष्ट कर देता हूँ इसी के साथ कि अक्सर आप बच्चों को ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह जुड़कर आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको उस के अलग कर दिया, नहीं, गलत होगा। आप बच्चों को ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी किसी कारक का एक ही परसर्ग है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, एक से अधिक है तो एक जुड़ जाएगा और दूसरा स्वतंत्र रहेगा। जैसे मैंने लिखा उसके लिए, तो यहाँ पर देखिए के लिए यानी संप्रदान कारक में दो परसर्ग होते हैं तो एक परसर्ग उसके साथ लग जाता है और दूसरा स्वतंत्र रहता है। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, जबकि संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग नहीं जुड़ते हैं, ये शुद्धि अशुद्धि में भी काम आएगा। तो अब मैंने आपको दिखा रेशमा के दो भतीजे हैं, तो भतीजे किसके हैं, रेशमा के। भतीजों का संबंध हम किससे बता रहे हैं, रेशमा से। तो यहाँ पर रेशमा के इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, आपका संबंध कारक। इसी के साथ हम देखें उमा के एक लड़की हुई, लड़की हुई यानी लड़की उत्पन्न हुई, पैदा हुई, तो लड़की ने जन्म जो लिया वो किसके यहाँ लिया, किसके पास एक लड़की है, तो संबंध किससे बतला रहे हैं हम, उमा से। किससे बता रहे हैं, उमा से। तो उमा के एक लड़की है तो लड़की का संबंध किससे है, उमा से। तो उमा में इस वाले जो शब्द है या इस संज्ञा में आपका कौन सा हो जाएगा, संबंध
कारक। क्लियर। आगे लिखा कावेरी की लड़की वहाँ है। अब लड़की जो है वो वहाँ उस स्थान पर है, तो किसकी लड़की है? कावेरी की। संबंध किससे है? लड़की का संबंध किससे है? कावेरी से है। किससे है? कावेरी से। तो यहाँ कावेरी शब्द में आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। क्लियर। ठीक है, इसी के साथ हम देखें इस कक्षा के छात्र कुशाग्र। तो छात्र का संबंध हम किससे बता रहे हैं? छात्रों का संबंध किससे है? इस कक्षा से। किससे है? इस कक्षा से। तो यहां पर आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। संबंध कारक किसमें होगा? इस कक्षा के। ठीक है, छात्रों का संबंध कक्षा से बतलाया जा रहा है, तो इस कक्षा के छात्र, तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है, इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा यह प्लास्टिक, देखिए यह वस्तु जो है यह प्लास्टिक का संदूक है, तो संदूक का संबंध किस धातु से है? देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु किसी वस्तु किसी पदार्थ से निर्मित हो रही है, तो उस संबंधित पदार्थ में आपका संबंध कारक होगा। यहाँ पर हम संदूक का निर्माण जो बता रहे हैं वो किससे बता रहे हैं? प्लास्टिक से बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक का किसका संदूक किसका है? प्लास्टिक का। तो यहां पर आपका संबंध कारक है। संबंध कारक। क्लियर बच्चों। इसी तरह से मैंने लिखा मेरी, ठीक है, मेरी जंजीर चांदी की है। मैंने अभी बताया वस्तु का निर्माण बता रहे हैं, तो यहां जंजीर का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? चांदी से। तो चांदी शब्द में आपका कौन सा होगा? संबंध कारक। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पर नहाने का पानी। पानी किस चीज़ का है? नहाने का। नहा पानी का संबंध हम किससे बता रहे हैं? नहाने से। यानी किसी वस्तु का प्रयोजन अगर बतलाया जाए तो वहाँ पर भी हमारा जो प्रयोजन आएगा उसमें आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। तो नहाने शब्द में नहाने का, किसका? नहाने का। इसमें आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। इसी के साथ हम देखें बेसन दे दो। अब बेसन का संबंध हम कितने रुपए से बता रहे हैं? मूल्य। मूल्य का बोध कराने वालों में भी हमको संबंध कारक लगाना है, तो यहाँ हम बेसन का मूल्य बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? बेसन का मूल्य कितना है? तो 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। इसी तरह से देखें समय का बतला रहे हैं कि दिन का, देखिए संबंध सूचक निकल के आ रहा है, खाना कब का है? दिन का। तो यहाँ पर खाने का संबंध दिन से बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है, तो आपको सिंपल सी पहचान रखनी है, किसका शब्द लगा देना है, किसका शब्द प्रश्न के साथ निकल के आ जाएगा, वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिससे संबंध बतलाया जाता है वहाँ आपका कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है, दूसरे शब्द में नहीं होगा, बल्कि जिससे संबंध बतलाया जाएगा उसमें आपका कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। थोड़ा आप देख लीजिए, इन एग्जांपलों को उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका कारक आता है उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट कारक आपका है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक को समझने का प्रयास करें। तो अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। अधिकरण का मतलब होता है आधार, और आधार का मतलब यानी कि जहां क्रिया संपन्न होती है। सिंपल सी बात है, जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होगी उसमें अधिकरण कारक होता है। जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है या क्रिया के होने का जहाँ आधार होता है, जहाँ क्रिया का आधार होता है वहाँ आपका अधिकरण कारक होता है। मैंने देखिए अधिकरण कारक की परिभाषा लिखी। अधिकरण कारक का परसर्ग जो होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए परसर्ग, अधिकरण कारक का परसर्ग होता है मे और पर। कुछ पे और बोलते हैं मे पे पर, तो पे जो होता है वो हमारी कहे ना पढ़ी लिखी हुई भाषा
या जो कहें व्याकरणिक भाषा में पे गलत माना जाता है। केवल दो ही चिन्ह माने जाते हैं, मे और पर, तीसरा कोई चिन्ह नहीं होता अधिकरण कारक का। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि अधिकरण कारक कहाँ पर होता है, तो जिस स्थान विशेष में क्रिया संपन्न होती है, जहाँ क्रिया का आधार होता है, जिसको क्रिया का आधार माना जाता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इस परिभाषा को नोट करेंगे कि जिस संज्ञा रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार का मतलब क्रिया जिस स्थान विशेष पर संपन्न होती है, उस स्थान विशेष में अधिकरण कारक होता है। जैसे मैंने लिखा विद्यालय, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, मैंने लिखा विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब विद्यालय में बच्चे क्या काम कर रहे हैं, क्रिया हमारी पढ़ना हो गई। अब पढ़ने की क्रिया जिस स्थान पर संपन्न हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है, विद्यालय में। कहाँ पर हो रही है, विद्यालय में। तो में यानी कि जब अंदर की स्थिति को बतलाएगा, ऊपर की स्थिति को नहीं बल्कि अंदर। आपने इन पढ़ा होगा, इन प्रपोजिशन पढ़ा होगा इंग्लिश में, इनकी जो स्थिति होती है वही मे की स्थिति होती है। इन माने मे होता है और वही स्थिति होती है। जब अंदर की स्थिति को बतलाया जाता है तो वहाँ पर मे परसर का उपयोग करना है, पर परसर का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर जो विद्यालय शब्द आया है, इसमें आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। क्लियर बच्चों, है ना, क्योंकि क्रिया जो है वो स्थान कौन सा है जहाँ संपन्न की जा रही है, विद्यालय में। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऐसे ही मैंने लिखा वह मैदान में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए है, आप कहेंगे सर इसमें क्रिया क्या है, तो इसमें स्थिति को बतलाया जा रहा है, होना क्रिया को बतलाया जा रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उसका आधार क्या बना, यानी वह स्थान कहाँ है, मैदान। तो यहाँ मैदान में, इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। क्लियर, इसके बाद हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, घर में चार आदमी हैं। घर में कितने आदमी है, चार आदमी, यानी घर में हम आदमियों की स्थिति को बतला रहे हैं कि घर में कितने आदमी है, घर में कितने आदमी है, चार आदमी है। ठीक है ना, तो यानी कि हम उस आधार को बतला रहे हैं, आधार कौन सा है, घर, घर में, कहाँ पर, घर में। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक। इसी तरह से मैं देखा मेरा मित्र संकट में है, किस में है, संकट में। देखिए भाववाचक संज्ञा के साथ भी हम कई बार मे का प्रयोग करते हैं, तो मित्र किस में है, संकट में है। यहाँ कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। सभी प्राणी दिन में, अब देखिए कब करते हैं, सक्रिय कब रहते हैं, यानी क्रिया सक्रिय होने की क्रिया का आधार क्या बन रहा है, समय, समय क्या है, दिन। तो दिन में, इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा बच्चों, अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। इसी तरह से मैंने लिखा, देखिए इस उदाहरण को ध्यान से समझना, नीम के पेड़ पर, ठीक है, चिड़िया चहक रही है। नीम के पेड़ पर चिड़िया चहक रही है। अब देखिए कार्य हो रहा है चहकने का, ठीक है, और चहकने का कार्य हम आधार पर बता रहे हैं, किस पर बता रहे हैं, पेड़ पर बैठी हुई है चिड़िया, आधार ऊपर बैठी हुई है, और उस पेड़ पर बैठकर चिड़िया क्या कर रही है, चहकने का काम। तो नीम के पेड़ पर, तो पेड़ पर, किस पर, पेड़ पर, पेड़ पर। यहाँ आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण
और चाहे तो नीम का पेड़, एक संबंध के साथ पूरा विस्तार हो गया, पेड़ किसका है, नीम का, तो नीम के पेड़ पूरा का पूरा विस्तार हो गया, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, इसी तरह से हम देखें तो यहाँ पर देखिए पर आ रहा है, तो इस वाले में आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसी तरह से स्टेशन पर, गाड़ी जो है स्टेशन पर रुकी हुई है, स्टेशन के अंदर नहीं होती बल्कि स्टेशन के ऊपर ही रुकी हुई है, यानी स्टेशन जो है जैसे ये वाला प्लेटफॉर्म है इसके बगल में ही रुकी हुई है, तो इस तरह की स्थिति में कहाँ पर रुकी है, स्टेशन पर, तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ वहाँ कहाँ, ठीक है, ये कुछ शब्द होते हैं, इन शब्दों को ध्यान रखना, इनका जब उपयोग किया जाता है तो इनके साथ पर स्वतः होता है, पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने लिखा यहाँ कौन आया, तो यहाँ स्वतः ही पर का बोध हो रहा है, स्वतः ही, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। कभी भी ध्यान रखना शुद्धि अशुद्धि वाला मैटर आ जाए उसमें भी ध्यान रखना है आपको, इसमें अधिकरण कारक होगा, यानी ये शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ अधिकरण कारक होगा। यहाँ कौन आया, तो यहाँ का मतलब यहाँ पर, हम कह रहे हैं यहाँ पर कौन आया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण। मैंने लिखा देखिए वहाँ बड़ी भीड़ लगी है, अब देखिए पर, ये पर जो होगा अपने आप स्वतः एक अर्थ दे रहा है, वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, ये शुद्ध होगा, अगर आपने पर लगा दिया तो आपका वाक्य अशुद्ध होगा, तो यहाँ वहाँ जो होगा इसमें आपका अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। इस तरह से आपके अधिकरण कारक का मतलब होता है जहाँ क्रिया संपन्न होती है वहाँ अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक के और एग्जाम्पल आप निकालने का अभ्यास करें। अधिकरण कारक के एक बार परिभाषा और उदाहरण लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आती हैं संबोधन कारक। जैसा कि संबोधन से पता ही लग रहा है कि संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को आवाज़ देना, किसी को पुकारना, ठीक है, तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा बनती है कि जिन शब्दों से या संज्ञा के जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है या प्रार्थना की जाती है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक का सामान्य सा, देखिए सामान्य सा, सामान्य सी पहचान आपके आसानी से समझ में आएगी कि देखिए लास्ट आपका है आठवां संबोधन कारक, संबोधन, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनती है लिखेंगे, इसके सबसे पहले पर्सर्ग देखते हैं, तो हे ओ अरे और ए, ठीक है, ये इसके पर्सर्ग हैं। परिभाषा बनती है संज्ञा के जिस रूप से किसी के संबोधित होने का बोध हो वहाँ संबोधन संबोधन कारक होता है। क्लियर, अब आपको समझना है बच्चों कि इसमें क्या है, हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारने का काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका संबोधन कारक होगा, और उसके लिए या तो हे लगा देंगे, हे राम, ओ बालक, अरे, है ना,
या एक ही मात्रा लगा देंगे, या हो सकता है शब्दों के पीछे इन्हीं मात्राओं का उपयोग किया जाए। तो जैसे देखिए, इसके साथ साथ आपको कई बार दो चीज़ें, या तो कोमा का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, लड़के, मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है नीचे, लड़के, उसको ऊपर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, लड़के ज़रा इधर आओ, इधर आओ। अब इस वाक्य में देखिए, संबोधन वाला चिन्ह आ गया, इससे पहचान हो जाएगी यहाँ संबोधन कारक है, हम किसी को पुकार रहे हैं और उससे कुछ कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें आपका संबोधन कारक हो जाएगा। दूसरे वाक्य को देखें, भक्तों, यहाँ आपको कभी भी पूछना है तो लिखना होगा संबोधन, ठीक है, कारक, चिन्ह से पता लग रहा है। इसी के साथ दूसरा लिखा, भक्तों आपकी आस्था प्रशंसनीय है, अब देखिए इसमें संबोधन किया जा रहा है, किसको कर रहे हैं, भक्तों को, तो संबोधित करने के कारण इस रूप में आपका कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। इसी तरह से देखिए, हे प्रभु, प्रभु को संबोधित किया जा रहा है, हे प्रभु कृपा करो, प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना करते समय किसको संबोधित किया जा रहा है, प्रभु को, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। इसी तरह से हम कहें, ओ भाई जरा मेरी बात सुनो, ओ भाई जरा मेरी बात सुनो। अब इसमें हम देखें, ओ भाई शब्द आ रहा है, तो ओ भाई यहाँ पर क्या हो गया, संबोधन हो रहा है, भाई को संबोधन किया जा रहा है, अरे भैया मेरी बात सुन ले। तो इस बात को हम यहाँ स्पष्ट करने की कह रहे हैं, यानी किसी को कहें, किसी को पुकारा जाए, तो जिन शब्दों से हमें ये पता लगे कि किसी को पुकारा जा रहा है, किसी से संबोधित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक में या तो कोमा लगा दिया जाता है जिसको पुकारा जाता है, और या फिर कई बार क्या होता है, ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह आता है। तो इस तरह से आपके 8 टॉपिक जो कारक के थे पूर्ण होते हैं। सभी बच्चे कारक की पहचान के लिए जितने भी बात, क्योंकि देखिए परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, आप बच्चों से कारक की परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में से कारक को पहचानना होगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी आप एग्जाम्पल देखते हैं उनमें पहचानने का प्रयास करें। आपकी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप अपने अध्ययन को जारी रखें, धन्यवाद।